इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए। इंडी न्यूज में स्वागत है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पहली बार एक चैट शो में साथ नजर आएंगे। चैट शो पर विराट ने कई तरह के दिलचस्प खुलासे भी किए। कोहली ने खुलासा करते हुए बताया कि वह 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की यॉर्कर का सामना करने से डर रहे थे। वर्ल्ड कप तक क्रिकेट की दुनिया में कोहली का इतना बड़ा नाम नहीं था। वर्ल्ड फाइनल मुकाबला मुंबई के वांखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था और मलिंगा ने शुरुआत में ही भारत के दोनों ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को वापस पवेलियन भेज दिया था। नंबर चार पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली उतरे थे। गौतम गंभीर के साथ 83 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी करने वाले कोहली ने उस फाइनल में 35 रन बनाए थे। अब उन्होंने खुलासा किया है, जब वह सचिन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात का था डर। कोहली ने शो पर आमिर खान से कहा, मुझे डर लग रहा था कि मलिंगा यॉर्कर ना डाल दें। मैं पहले से ही नर्वस था, लेकिन दो से तीन गेंद खेलने के बाद मैं सेटल हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद 2011 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। फाइनल में गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम ने आसानी से श्रीलंका द्वारा दिए गए मुश्किल टारगेट का पीछा कर लिया था। वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली की बल्लेबाजी बड़ी तेजी से निखरती चली गई। साल 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 43 ओवर में 321 रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 133 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए इंडी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।